हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हो अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। अब मैं ठीक हूँ। सुबह तक मेरा जो मूड है ना, बिल्कुल खराब था, बिल्कुल ऑफ था। बस था किसी रीजन से। वो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस किया जो मैंने आज वीडियो अपलोड किया है उसमें, और बाकी चीजें मैंने नहीं किया। जितना हो मतलब करना चाहिए उतना मैंने किया। और मैं जब भी गिव अवे रखने की सोचती हूँ ना, जब भी गिव अवे सोचती हूँ, पिछले बार भी मैंने सोचा था कि मैं गिव अवे रखूंगी, तभी ये टंटा मतलब यही प्रॉब्लम आ गई थी। और सेम मैंने अब भी सोचा था कि मैं नेक्स्ट मुझे याद भी नहीं आ रहा, मतलब ये कि मतलब फैब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में मैं गिव अवे रखूंगी। और मैं गिव अवे रखूंगी, मेरा गिव अवे का कोई ऐसा रूल वगैरह कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा और बहुत इंजॉय करिएगा आप लोग। लेकिन बस फिर वही चीजें आ गई मेरे सामने, वही प्रॉब्लम। में समझ नहीं आ रहा है कि मैं जब भी गिव अवे रखना चाहती हूँ तब भी ये प्रॉब्लम क्यों आती है, और कौन सी प्रॉब्लम आती है। वो बने रहिए वीडियो में, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, वरना यहीं से आप लोग चले जाइएगा वापस। तो इसीलिए थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए कि मैं जब भी गिव अवे। क्या है किट्टू? नहीं, किट्टू को देखो संतरा कहाँ फेंक रहा है। किट्टू नहीं, फेंक दिया। इसमें से ग्रेप्स है और दो संतरा था, वो एक फेंक दिया, एक हाथ में ले रखा है वो लड़का। और बिस्तर की हालत देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए क्या कर रखा है, पूरा घर फैला हुआ है। माइंड मत कीजिएगा, अंदर मैंने टी शर्ट वेयर किया हुआ है क्योंकि ठंड तो है ही। ठंड समझ नहीं आ रहा, ठंड जा रही है या आ रही है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है। और आज डे है ट्यूजडे और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं, घड़ी मेरी जो है ना वो 10-5 मिनट आ गया है, तो 6 बज गया है, टीवी ऑन है। तो चलिए थोड़ा सा करना है काम, ये रूम की सफाई वगैरह करनी है, वो करती हूँ, फिर देखती हूँ खाना के क्या बनेगा, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मेरे लिए ब्लॉगिंग करना, लेकिन मैं करूंगी। अब मैंने सोच लिया रोज ही करूंगी ब्लॉगिंग, करूंगी करूंगी गाइस। चलो बाय। तो बस मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, हाथ वगैरह धो लिया, चप्पू सी लग रही हूँ ना क्योंकि मुझे करना है हेयर वॉश। और अभी पापा जी आए हैं तो अब जा रही खाना बनाऊंगी क्योंकि वो बाबू को खिलाएंगे, तब तक मैं खाना बना लूंगी और देखती हूँ खाने में क्या बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ अभी बाबू को लेके बाहर, थोड़ा सा इसको घुमा के लाऊंगी क्योंकि ना इवनिंग के टाइम पे वो घूमता ही घूमता, और अच्छा भी है, बच्चे को थोड़ा सा घुमा दो ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं आजकल लगाने लगी हूँ बिंदी, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर बिंदी कैसा लगता है, क्योंकि मैं पहले लगाती नहीं थी, अब लगा रही हूँ क्योंकि ना मनीष जी बोलते हैं ना बिंदी लगाया करो, कुछ मत करो, बिंदी लगाने से ना बहुत अच्छा लगता है आप, मतलब मेरा फेस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छोटी बिंदी अच्छी लगती है या बड़ी बिंदी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हे
हे गाइस, अभी रात के हो रहे हैं 10:15, 10 सवा 10 हो गया और मैं देख रही हूँ हप्पू के उल्टन पुल्टन। तो बस ये देख के उसके बाद देखना है भाभी जी घर पे हैं। सोच रही हूँ बाबू 11 बजे सोए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जल्दी सो जाता है ना, तो फिर रात में वही 2 बजे जल्दी, मतलब बच्चे सोते हैं 10 बजे सो जाते हैं, बहुत से बच्चे 9 बजे सो जाते हैं और फिर मॉर्निंग में ही उठते हैं 6 बजे 7 बजे। बट ये दूसरे किस्म का बच्चा है, ये 10 बजे सोएगा तो भी 2 बजे उठ जाएगा, 9 बजे सोएगा तो भी 2 बजे उठ जाएगा। तो बस यही 11 साढ़े 11 बजे सोता है, उसके बाद वही मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाएगा, 6 7 बजे। इसलिए मैं सोचू थोड़ा लेट सोए ना तो ज्यादा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज डे है वेनसडे। यस, वेनसडे है, क्योंकि ना आप लोगों की वो रहती है ना कि डे क्या है, मैं बताती नहीं हूँ। पहले तो मैं वीडियो के उसमें नीचे ना मेंशन कर देती थी कि आज क्या डे है, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाती हूँ ना, तो इस वजह से मैं सोचती मैं बता ही दू आप लोगों को। तो मैंने बनाया है आज अरहर की दाल, गोभी की सब्जी और चावल। आप लोग सोचेंगे रात भी गोभी बनाई थी और अभी भी गोभी, तो हाँ गोभी ही थी, तो मैंने सोचा चलो गोभी की सब्जी। रात मैंने बनाया था गोभी की भुज्जी टाइप की बनाई थी और अभी गोभी की सब्जी बनाई हूँ और दाल चावल। तो बस जा रही हूँ मैं खाने। मैं नहा चुकी हूँ आज, कल नहाई नहीं थी बिकॉज पानी की प्रॉब्लम है। और मैं अब बता देती हूँ कि मैं गिव अवे क्यों नहीं रखना चाहती, जब भी रखती हूँ क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पिछली बार मैंने सोचा कि गिव अवे रखूंगी, तब प्रॉब्लम ये आई थी कि रूम चेंज करना है हमें, कि घर ढूंढना। और फिर गिव अवे का मतलब है जब तक माइंड एक जगह सेटअप ना हो, अच्छे से सब कुछ ना हो, तब तक गिव अवे रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जितना आप लोग खेलने में ध्यान लगाइएगा, उतना हमें भी ध्यान रखना होता है गिव अवे में, कि विनर चूज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम मुझे भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना आप लोग ध्यान से खेलोगे। तो सेम हियर, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं लास्ट फेब में रखूंगी या मार्च की स्टार्टिंग में, मतलब रखूंगी। 15 दिन का ही होता है, 15 दिन का ही होता है, ऑलमोस्ट 15 दिन का ही रखते हैं सब कोई। तो बस वही है ना प्रॉब्लम, फिर वही आई है सेम प्रॉब्लम कि अब घर देखना है। और क्यों घर देख रही हूँ मैं दूसरी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, वरना ये व्लॉग हो जाएगी लॉन्ग। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बताइएगा आप लोगों को भी धुंधला आज दिख रहा है कि, पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया है, कुछ क्लियरिटी नहीं दिख रही है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।